नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे जैसे भारतीय किसान हाईटेक मशीनरी को स्वीकार करता जा रहा है, वैसे वैसे न्यूहोलैंड मार्केट में अपने एक के बाद एक हाईटेक ट्रैक्टर्स को लॉन्च करता जा रहा है। दोस्तों, एक बार फिर से न्यूहोलैंड ने अपने एक और हाईटेक मॉडल को मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। बहुत जल्द आपको ये ट्रैक्टर इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, वो है न्यूहोलैंड TT 3.50। दोस्तों, ये मॉडल का नाम है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रैक्टर के सारे फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। TT 3.50 में कौन कौन से फीचर कंपनी से हमें मिलेंगे, कैसा इसका ऑन रोड प्राइस है, क्या कुछ फ्यूल कंजप्शन है, सारी की सारी बातें हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह के वीडियोज आप आगे भी देख सको। दोस्तों फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो कंपनी फिटेड आपको वेट मिल जाते हैं यहाँ पे लगे हुए, जो कि 4 प्लेटें हैं। लगभग 2 क्विंटल वजन आपको ट्रैक्टर में फ्रंट में आपको दे रखा है, और आगे का जो फ्रंट एक्सल है दोस्तों, वो आपको दोनों तरह का मिल जाता है। बबल पिनियन और करारो, दोनों तरह का एक्सल आपको मिल जाता है। आपको जो अच्छा लगता है आप ले सकते हैं। ये जो मॉडल आपके सामने खड़ा हुआ है, ये करारो का फ्रंट एक्सल है। आगे के टायर्स इसमें 9/5/24 के हैं, और काफ़ी तगड़ा आपको फ्रंट एक्सल दे रखा है। जैसे आपका 60/10 या फिर जो आपका 65/10 आता है, वही वाला एक्सल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर TT 3.50 की पूरी ब्रांडिंग दे रखी है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको S8000 FPT 2.9 लीटर का आपको 50.5 HP का इंजन आपको मिल जाता है, जो अपनी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 2200 rated RPM पे। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे डबल पंप का सेटअप दे रखा है, पावर स्टीयरिंग की पंप अलग आपको दे रखी है, लिफ्टोमेटिक की पंप अलग से आपको दे रखी है, पूरा का पूरा इनलाइन फ्यूल पंप का सेटअप है, डबल डीजल फिल्टर आपको दे रखे हैं, वाटर सेपरेटर आपको दे रखा है यहाँ पे। और इधर साइड में अगर देखोगे तो काफ़ी बड़ा और खुला डुला प्लेटफॉर्म आपको दे रखा है। कंपनी फिटेड आपको ROPS लगी हुई मिल जाती है ट्रैक्टर में, टॉप मॉडल ट्रैक्टर अगर आप लेते हो तो। एक बार मैं इसके अगर बात करें इसके ड्राइवर कंफर्ट के बारे में, तो काफ़ी बड़ी डिलक्स ड्राइवर सीट आपको देखने को मिल जाती है। टेल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती हैं, डबल क्लच में आपको देखने को मिल जाता है। ड्राइवर सीट पे बैठ करके इस तरह का लुक आपको देखने को मिल जाता है। पूरा का पूरा डिजिटल डैशबोर्ड दोस्तों इसमें आपको देखने को मिल जाता है। पूरा इस तरीके से आप देखोगे पूरा छोटा और गाड़ी की जैसे पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है। इधर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आपको दे रखे हैं। ये आपका रेस का लीवर हो गया, रेस का थ्रॉटल हो गया इसमें, और यहाँ पर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आपको दे रखे हैं। ये आपका मेन गियर का लीवर हो गया, इसमें 8+2 का ऑप्शन आपको मिल जाता है। 8 स्पीड आपको फॉरवर्ड में और 2 स्पीड आपको बैकवर्ड में देखने को मिल जाती है। ये आपका यहाँ पे लिफ्टोमेटिक की कंट्रोल्स आपको दे रखे हैं। ऑक्सिलरी लीवर हो गया, और ये आपको मल्टी प्लेट्स यानी कि तेल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं। ये आपका यहाँ पे हैंड ब्रेक दे रखा है, जिससे आप अपनी ट्रैक्टर को पार्क कर सकते हैं जहाँ पे भी आप चाहें। डबल क्लच आपको दे रखा है, PTO क्लच अलग से दे रखा है आपको इंडिपेंडेंटली, और लो हाई का लीवर आपको दे रखा है। तो इस तरीके से 8+2 का फुली सिंक्रोमाइज का गियरबॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। 540 स्टैंडर्ड इकोनॉमी और रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है ट्रैक्टर में। दोस्तों अगर ट्रैक्टर का आपको पूरा का पूरा सिंगल पीस में आपको बोनट दे रखा है, यहाँ पे आपको ड्राई टाइप का आपको एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है पूरा का पूरा सूखा। यहाँ पे कूलेंट आपको दे रखा है, पूरा सिंगल पीस में बोनट है, सिंगल आपको इसमें जैक लगा हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है। पावर स्टीयरिंग का आपको ऑयल अलग से दे रखा है, और 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है। FPT 8000 सीरीज का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनलाइन फ्यूल पंप का पूरा सेटअप है सारा। आपको कूलेंट इसमें पड़ता है, रेडिएटर आपको मिल जाता है जो कि ओवरफ्लो रिजर्वर के साथ आपको देखने को मिलता है। टूल बॉक्स दे रखा है, सारी की सारी आपको मैकेनिज्म आपको उस तरीके से देखने को मिल जाती है। बैटरी इसमें फ्रंट में दे रखी है, जो कि न्यूहोलैंड के सभी ट्रैक्टर्स में आपको फ्रंट में ही देखने को मिल जाती है। इसे क्या होता है दोस्तों, फ्रंट से लिफ्टिंग काफ़ी कम हो जाती है और वेट भी काफ़ी फ्रंट में बढ़ जाता है। यहाँ पर जाली दे रखी है, गार्ड दे रखा है, जो बी बेल्ट हमारी चलती है वहाँ पर गार्ड लगा हुआ है। और इसमें दोस्तों आपका यहाँ पर स्काई वॉच लगा हुआ है, तो काफ़ी सारे सेंसर इसमें दे रखे हैं, तो इस तरीके से पूरा देख सकते हैं आप। दोस्तों अगर बात करें ट्रैक्टर के दूसरी साइड में चल के देखते हैं क्या कुछ फीचर्स हमें मिलते हैं। इसमें आपको ये प्लेट आपको कंपनी फिटेड देखने को मिल जाती है इधर से, और इस तरीके से साइड व्यू आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों मैं इस ट्रैक्टर के पीछे के हिस्से के बारे में बात करूं, तो पीछे से कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी फिटेड आपको पूरा ROPS रियर एक्सल से आपको लगे हुए मिल जाता है। रियर एक्सल जो है आपको इस तरीके से पूरा डायरेक्ट एक्सल मिल जाता है, और काफ़ी तगड़ा हिच आपको अलग ही टाइप का हिच इसमें आपको दे रखा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके PTO HP के बारे में, तो उसमें आपको 45 HP का PTO देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस ट्रैक्टर का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 205 Nm का है, जो प्रोड्यूस होता है 1300 rated RPM पे। और इधर में आपको 5-7 pin सॉकेट्स हो गया, और डायरेक्ट एक्सल दे रखा है पूरा देख सकते हैं इस तरीके से, प्लेनेटरी ड्राइव दे रखा है, और दोनों साइड में आपको सेम दे रखा है। डबल डिस्ट्रीब्यूटर आपको दे रखा है, वर्किंग लाइट हो गई, तो इस तरीके से पूरा आपको बैक प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाता है ट्रैक्टर का। बात करें दोस्तों इस ट्रैक्टर के फ्यूल टैंक के बारे में, इसमें आपको फाइवर का 60 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस ट्रैक्टर की मैक्सिमम स्पीड जो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा की आपको देखने को मिल जाती है। एक बार दूसरी साइड में चल के देखते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिल जाता है इसके दूसरी साइड में। सेम आपको TT 3.50 की ब्रांडिंग दे रखी है न्यूहोलैंड,
और यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक फिल्टर दे रखा है, और इधर साइड में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मैकेनिज्म दे रखा है, टूल बॉक्स दे रखा है, डीजल फिल्टर, इंजन ऑयल का फिल्टर आपको दे रखा है अलग से, कोई भी ज़रूरी सामान आप इसमें अपना रख सकते हैं। और पीछे के टायर्स आपको 14-28 के और आगे के टायर्स 9-5-24 के आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मिल जाता है पूरा ट्रैक्टर का प्रोफाइल। सो दोस्तों ये था न्यू हॉलैंड TT50 का पूरा वीडियो। अगर आपको कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दोस्तों इस ट्रैक्टर के बारे में अगर आप लेना चाहते हैं, इसको खरीदना चाहते हैं, तो ये जैसे ही मार्केट में लॉन्च होगा आप अपनी नियरेस्ट डीलरशिप पे जाके मालूम कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।